दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एक नया फीचर आ चुका है, चैनल से यहाँ पर देख सकते हो। पहले यहाँ पर अपडेट की जगह पर स्टेटस होता था, उस पर हम क्लिक करते थे, लोगों का यहाँ पर स्टेटस शो होता था, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों स्टेटस की जगह अपडेट आ गया है। और यहाँ पर देखिए चैनल्स, और यहाँ से अपना चैनल बना सकते हो। नीचे यहाँ पर देखिए जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपना चैनल भी यहाँ पर बना लिया है। नीचे देखिए फाइंड चैनल्स, और यहाँ पर क्लिक करके जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं उनके चैनल को आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। और यह नया फीचर बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यहाँ पर यह चैनल अपडेट पसंद नहीं आ रहा है। आज इस प्रयोग में बताऊंगा कैसे आप यहाँ से ये चैनल अपडेट को हटाकर फिर से स्टेटस ला सकती हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अगर आप यहाँ से अपडेट को हटाना चाहते हो, वापस से यहाँ पर स्टेटस लाना चाहते हो, ताकि आपको यहाँ पर चैनल दिखाई ना दे, यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे, ताकि अपने दोस्तों के स्टेटस को आप देख सको, तो छोटी सी वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्य आसवी का, स्वागत है मेरे रूप नॉलेज टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आसवी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। बात कर लेते हैं प्रोसेस की। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, ये वीडियो किसी और फ़ोन में चलाकर मेरे साथ साथ सारे स्टेप फॉलो कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में लेकर चलता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, पहले यहाँ पर स्टेटस था, स्टेटस की जगह यहाँ पर अपडेट आ चुका है, और नीचे यहाँ पर एक चैनल, आप यहाँ से चैनल भी बना सकती हो और दूसरों के चैनल को फॉलो भी कर सकती हो। तो कैसे आप यहाँ से अपडेट ऑप्शन को हटाओगे, चैनल को हटाओगे, तो सबसे पहले यहाँ पर चार्ट्स में आना है, फिर यह थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन है चार्ट्स, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे ये नीचे देखिए ऑप्शन है चार्ट बैकअप, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना आईडी यहाँ से सिलेक्ट करना है। आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए इंक्लूड वीडियो, अगर आप मीडिया फाइल भी बैकअप लेना चाहते हो, यहाँ से यह ऑप्शन भी ऑन करना है। फिर ऊपर देखिए बैकअप, और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले अपने व्हाट्सएप चैट को यहाँ पर बैकअप कर लेना है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका सारा चैट यहाँ पर बैकअप हो जाएगा। बैकअप लेने के बाद फिर यहाँ से बैक करना है, और यहाँ पर होम स्क्रीन में वापस आइए और यहाँ से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। यह व्हाट्सएप आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करने के बाद फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, ठीक है। ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है व्हाट्सएप डाउनग्रेड वर्जन, ठीक है। व्हाट्सएप डाउनग्रेड वर्जन आपको लिख कर सर्च करना है। जैसा आप सर्च करोगे यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, और इनमें से किसी भी वेबसाइट आप सिलेक्ट करके यहाँ से आपको व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, और यहाँ से किसी भी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आपको सही लगे उस वेबसाइट से आपको व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट व्हाट्सएप डाउनलोड लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकती हो, तो डाउनलोड कर लेना है। व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप ओपन कीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक करना है एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यह परमिशन अलाउ करना है, जैसे आप व्हाट्सएप में फ़ोन नंबर एंटर करके ओटीपी एंटर करके नेक्स्ट करती हो वैसे यहाँ पर करना है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है, यह परमिशन अलाउ कीजिए। यह सारे परमिशन आपको अलाउ करना है, जैसे आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाती हो, ठीक है ना, तो वैसे ही करना है। यहाँ पर एक बैकअप ऑप्शन आ जाएगा, सो यहाँ से रिस्टोर के ऊपर क्लिक कीजिए और आपके सारे चार्ट भी यहाँ पर वापस से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए चार्ट यहाँ पर बैकअप हो रहा है, तो कुछ सेकंड वेट करना होगा, यहाँ पर वेट कर लेते हैं एक बार ये चार्ट यहाँ पर बैकअप हो जाए। सो यहाँ पर देखिए चार्ट बैकअप हो चुका है, सारे चार्ट यहाँ पर वापस से आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए स्टेटस, पहले यहाँ पर अपडेट था और अभी यहाँ पर देखिए अपडेट की जगह पर स्टेटस आ चुका है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से सिंपल से तरीके से यहाँ से अपडेट चैनल को हटा सकती हो, वापस से यहाँ पर स्टेटस को ला सकती हो। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकती हो। ज़रूर से वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।